हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महेंद्रगढ़ शहर में पिछले 29 अगस्त से नगर पालिका में चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल और भूख हड़ताल पर बैठे पार्षदों के आह्वान पर आज महेंद्रगढ़ शहर पूरी तरह से बंद रहा। शहर के सभी बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, ऑटो मार्केट, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, काठ मंडी, रेलवे रोड, सिनेमा रोड, परशुराम चौक, सरावा बाजार, ग्यारह हट्टा बाजार, गौशाला रोड, बस स्टैंड मार्केट, तुलाराम चौक, सतनाली रोड, नारनौल रोड और दादरी रोड समेत शहर के सभी प्रमुख प्रतिष्ठान बंद रहे। आपको बता दें कि अधिकारियों की मनमानी के चलते पिछले 2 वर्षों से नगर पालिका में धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हुआ, जिसके चलते प्रधान रमेश सैनी के नेतृत्व में सभी पार्षदों ने मिलकर पिछले 7 दिनों से नगर पालिका में धरना और भूख हड़ताल कर रखी है। महेंद्रगढ़ से हमारे संवाददाता सुरेश पंचोली की रिपोर्ट। आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको लेकर ये निर्णय हुआ कि अधिकारीगण से जो हमारी बात हुई है चेयरमैन साहब की, हमारी पार्षदगणों की, तो उसमें ये आया है कि कल जैसे ही काम शुरू हो जाएगा धरना स्थगित कर दिया जाएगा और हमारे जो दोनों पार्षद हैं उनकी हड़ताल आज एक तरह से स्थगित कर दी गई, खत्म कर दी। उन्होंने कहा है कि हम सभी वार्ड पार्षद को एक एक टोली दे देंगे और सफाई कार्य जो भी चाहिए एक एक कंप्यूटर टोली जो भी है वो दे देंगे ताकि सफाई कार्य काम अपना हो सके। कल प्रशासन अगर धरातल पे कार्य शुरू कर देता है तो आप धरने को स्थगित कर। जी जी स्थगित। एक आपका साथी जो उस पर बैठा था देखो आज सोनू जो हमारे देवेंद्र सैन जो पार्षद है वो भूख हड़ताल वो आज भूख हड़ताल धरने पर रहेगा लेकिन भूख हड़ताल उसकी हम खत्म हो जाएगी और चेतन भाई पार्षद चेतन का जो है वो हड़ताल है उनका और उसके लिए भी अब तो यही इलाज है कि वो आज से आज इसका खत्म करवा दें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।